तुम कहीं खो गई हो क्या? हाँ शायद, नजरों से ओझल हो जाना खो जाना ही होता है। क्यों छुपा लिया तुमने खुद को? कभी कभी इश्क ओझल हो जाने पर मजबूर कर देता है। जाहिर रहे तो बहुत सो को भाता नहीं है। उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया। सही नसीब, कैसा पैगाम? यही कि वो बहुत परेशान है तुम्हारे ओझल जाने से। हो सके तो उससे रब्ता करो। काश ये सब मेरे बस में होता। सच का रब्ता तो हमारे बस में नहीं होता। हम तो सिर्फ उसी से बात कर पाते हैं जो हमसे मिलने आता है। क्या आपको भी किसी का इंतजार है? इंतजार कभी कभी लफ्ज हमारी असल कैफियत बयान करने से कासिर रहते हैं। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज ईजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा है। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। इतनी आसानी से आपने अपने दिल की बात बयान कर दी है ना। वाकई दुनिया की ये सताए लफ्ज हमारे एहसास को बयान नहीं कर सकते साईं। क्या मैं आपको साईं कह सकती हूँ? आप पर कोई और लफ्ज जचता नहीं है। साईं, फकीरों को साईं नहीं कहते। इतनी इज्जत ना दिया करो मुझे। ठुकराया हुआ इंसान हूं मैं। नहीं, मैं आज के बाद आपको साईं कहूंगी। कभी कभी आप मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगते हैं। अपना अक्स नजर आता है मुझे। रोमाना आ जाओ। मेरे लिए दुआ करेंगे साईं? वो दोबारा यहां आए और तुम्हारा पूछे तो मैं क्या कहूं? उनसे कहिएगा कि रूहों के दरमियान कब फासले हुए हैं। जिस्म अलबत्ता जुदा हो जाते हैं, उनसे कहिएगा कि रूहों के दरमियान कब फासले हुए हैं। जिस्म अलबत्ता जुदा हो जाते हैं।